वेलकम टू रविका शिवा क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे गीतांजलि बाय टैगोर। आप में से काफी सारे बच्चे गीतांजलि की कहानी या समरी, जो एक फुल समरी होती है एक्सप्लेनेशन, वो ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, बट इसकी फुल समरी आपको कहीं नहीं मिल रही, राइट? और मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गीतांजलि कोई एक कहानी है ही नहीं। आपको समझना होगा व्हाट इज गीतांजलि। हमारे आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गीतांजलि आखिर है क्या और एग्जाम के लिए इसे कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आप समझिए, गीतांजलि एक है पोयम, ठीक है? ये कोई नोवेल नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, ये क्या है? पोयम, कविता। अब इसमें सिर्फ एक ही पोयम नहीं है कि आपने एक कहानी पढ़ ली और गीतांजलि खत्म, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग, ठीक है? गीतांजलि को सॉन्ग ऑफरिंग भी कहा जाता है, ये इसका आप दूसरा नाम समझिए। सॉन्ग ऑफरिंग यानी कि गीतांजलि एक बुक है जिसमें काफी सारी कविताएं हैं, काफी सारी पोयम्स हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ पोयम्स। ओके, सो व्हाट इज गीतांजलि? गीतांजलि है एक किताब। कैसी किताब? कलेक्शन ऑफ पोयम्स, जिसमें कविताओं का कलेक्शन है। अब कविताओं का कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब कोई एक कविता है ही नहीं इसमें, बहुत सारी पोयम्स हैं, बहुत सारी कविताएं हैं जिनको एक बुक के अंदर कलेक्ट किया गया है और नाम दिया गया है गीतांजलि, ठीक है? सॉन्ग ऑफरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कविताएं हैं वो सॉन्ग्स के रूप में है। किसके सॉन्ग, किसके गीत है इसमें? सॉन्ग यानी गीत। किसके गीत है इसमें? गॉड के, भगवान के। तो हमारी इस गीतांजलि में टोटल 103 कविताएं हैं, यानी कि 103 सॉन्ग ऑफरिंग्स है, 103 गीत हैं। किसके लिए? भगवान के लिए, ठीक है? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने 103 गीत गाए हैं, 103 कविताएं लिखी हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। ओके, अब काफी सारे बच्चे इस पॉइंट में भी कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर सॉन्ग भी है, पोएम्स भी है, लेकिन हमें पोयम पढ़ना चाहिए या सॉन्ग पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 103 कविताएं हैं, इनको चाहे आप पोयम्स कहो, सॉन्ग्स कहो या चैप्टर कहो, ठीक है? टेक्स्ट आपका एक ही रहेगा। सपोज आपके घर में 3-4 नाम है, कोई आपको चिंटू कहता है, कोई आपको चीटी कहता है, कोई आपको आपके असली नाम से बुलाता है जैसे चिराग, या कोई आपको छोटू कहता है, ठीक है? अब आप ही के 4 नाम हो गए, लेकिन पर्सन तो सिर्फ आप ही हो ना, जो इंसान है वो तो नहीं बदला जाएगा, उसके नाम बेशक 4 है। तो उसी तरह जो इन कविताओं का टेक्स्ट है, जो इसमें कथन कहा गया है, वो एक ही रहेगा। अब आप उसे पोयम का नाम दो, सॉन्ग का नाम दो या चैप्टर का नाम दो, क्लियर? तो अब इन पोयम्स का एक्सप्लेनेशन करने से पहले कुछ आप गीतांजलि के की पॉइंट्स देखिए, जो कि एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको लिखने के लिए। चलिए, गीतांजलि के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वो कब हुआ था, ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई? 1910 में, और ये बंगाली वर्जन में आई थी। जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो बंगाली है, क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोइट है, एक बंगाली लेखक है, कवि है, ओके? और इस ओरिजिनल वर्जन में टोटल 108 पोयम्स थी, ठीक है? यानी कि जो ओरिजिनल पोयम्स थी वो टोटल 108 थी इसके, इस बुक के अंदर। सेकंड, इसका इंग्लिश वर्जन हुआ पब्लिश, ये 14 लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है, लेकिन मेन जो चीज है, ज्यादातर ये इंग्लिश में पढ़ी जाती है, क्योंकि बंगाली हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो जो आपके कोर्स में है वो भी इंग्लिश वर्जन ही होगा, ओके? तो आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग ही से प्रिपेयर करना है। तो जो इसका इंग्लिश वर्जन था उसमें है टोटल 103 पोयम्स, ओके? एंड ये इंग्लिश वर्जन कब पब्लिश हुआ? 1912 में, राइट? तो आपका जो ओरिजिनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर आपको करना होगा वो ये है, इंग्लिश वर्जन, यानी कि 103 पोयम्स। अब आप सोच रहे हो कि हमें क्या पूरी 103 पोयम्स
एग्जाम के लिए, तो नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें जो जो फेमस पोएम्स हैं, उनका मैं नाम लिखवाऊंगी, सिर्फ वही पोएम्स आप प्रिपेयर करिएगा क्योंकि वो बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, तो वो आप खास तौर पर तैयार करके जाइएगा। बाकी जो पोएम्स बचती है उन पे आप बस एक नजर डाल लेना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मेन चीज है आपका थीम, गीतांजलि की जो थीम्स है उनको आप एग्जाम में एक्सप्लेन करिएगा, दैट इज एनफ, ठीक है। थीम आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो यूं समझिए जो गीतांजलि की दो थीम्स हैं मेन, उसमें ये सारी पोएम्स कवर हो जाएंगी, क्योंकि सारी जितनी भी पोएम्स हैं उन वो एक ही चीज दर्शाती है, क्या? एक तो डिवोशन यानी कि भक्ति, किसके प्रति? भगवान के प्रति। और एक और थीम है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सारे पोएम्स में केवल भक्ति के गीत गाए गए हैं, जिसमें उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति उजागर हो रही है। और अगर आप हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं और भगवत गीता को भी आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये पोएम्स आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो बातें भगवत गीता में कही गई हैं, उनसे ही रिलेटेड कुछ कुछ बातें इस पोएम्स में कही गई हैं। तो जब मैं वो आपको पोएम्स समझाऊंगी तब आप उससे रिलेट कर पाएंगे, ओके। इन शॉर्ट आप समझिए, जो बंदा भगवत गीता पढ़ता है या सुनता है बिना किसी इच्छा के, अगर उसकी कोई डिजायर है ही नहीं वर्ल्ड से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष वो चीज है कि आप अब कभी भी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे, ठीक है। एक होता है जन्म, एक पुनर्जन्म, ठीक है। मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन इन पोएम्स में आपको बिलीव करना पड़ेगा, ओके। मेरी बात की जाए तो मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है। और इस जन्म से पहले का जन्म यानी कि पिछला जन्म, पास्ट लाइफ जिसे बोलते हैं, तो ये तीन चीजें। तो मरते टाइम अगर आपके दिल में कोई इच्छा रह जाती है तो उस इच्छा की वजह से आपका हो जाता है पुनर्जन्म, ओके। फिर यहाँ मरोगे, फिर आपको जन्म मिलेगा, फिर मरोगे, फिर जन्म मिलेगा, यानी कि जन्म लेना मरना, जन्म लेना और मरना, ये एक साइकिल है ह्यूमन लाइफ का जो चलता रहता है, ओके। अब आपने उसी साइकिल में कुछ पाप कर दिए, ऐसे कर्म कर दिए कि आपको जानवर बनना पड़ गया, यानी कि पुनर्जन्म तो हुआ लेकिन जानवर के फॉर्म में हुआ, अब भगवान ने आपको एक एनिमल बना दिया। जानवर क्यों बनाया? आपको आपके पापों की सजा देने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता ऐसे 84 लाख योनियां होती हैं जिनमें जन्म लेना पड़ता है कर्मों के अनुसार, ओके। लेकिन अगर आपको इन सबसे छुटकारा चाहिए, आप दुनिया में कभी जन्म लेना ही नहीं चाहते, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी सारी इच्छाएं त्याग दें इस दुनिया से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, ठीक है। जब जिस दिन आप अपनी सारी इच्छाएं त्याग देंगे और भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में आप एक तरह से अपनी भक्ति को डुबा देंगे, यानी कि आपकी सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी, भगवान को पाना है, ओके। जब ये इच्छा की कामना करते हुए आप मरोगे, आप अपने प्राण त्यागोगे, उसे कहते हैं मोक्ष, ठीक है। अब एक बार मोक्ष मिलने के बाद फिर आपका कभी जन्म नहीं होता, यानी कि आप 84 लाख योनियों का जो साइकिल है, दोबारा जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, फिर मरना, इन चीजों से आप मुक्त हो जाते हो। तो ये बात कही गई है भगवद गीता में। और ये मैंने यहाँ क्यों बताया है? क्योंकि ये जो पोएम्स हैं, ये इसी चीज को यहाँ पे रिलेट करेंगी, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा में हम इस चीज को समझेंगे। देन उनकी इस गीतांजलि को एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, कौन से ईयर में? 1913 में उनको अपने गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये गीतांजलि क्या बताती है हमें? There is a God in everywhere. He is omnipresent. दुनिया में हर जगह, हर एक चीज के अंदर कौन है? भगवान है। गीतांजलि एक ऐसी किताब है जो आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करती है, ओके? ऐसे इसमें गीत सॉन्ग्स दिए गए हैं। बात करें गीतांजलि के मोटो की,
यानी कि इसका मोटो क्या है, मोटो मतलब उद्देश्य, पर्पस, तो वो है आई एम हियर टू सिंग द सॉन्ग्स। यहाँ पे आई एम हियर ये कौन है, जो आई बना है वही है हमारे टैगोर साहब। तो क्या मोटो बोल रहे हैं, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग, मैं हूँ यहाँ ये गीत गाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी बुक में जितने भी गीत है वो खुद इन्होंने ही गाए हैं, सारी कविताएं इन्होंने ही लिखी हैं। सो मोटो इज आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग। बात करते हैं इसके मेन थीम्स की, जो आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे और कैसे करोगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थीम्स का अलग से वीडियो आएगा, ओके, वीडियो रेडी होने के बाद लिंक ऐड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। बाकी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मेरी सारी एक्सप्लेनेशन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और कितनी डिटेल में होती है ये भी उनको मालूम है। सो इसकी मेन थीम्स हैं, एक है फर्स्ट डेवोशन ऑफ गॉड, भगवान की भक्ति, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन थीम है, सेंट्रल थीम आप इसे कहिए। दूसरी है मिस्टिसिज्म, मतलब रहस्यवाद, कैसा रहस्य, भगवान से रिलेटेड रहस्य, भगवान की दुनिया के रहस्य, वो सारी चीजें इस वाली थीम में आपको डिस्कस करनी होगी, ओके। और भी थीम्स हैं इसकी, वो मैं आपको थीम वाले वीडियो में ही बताऊंगी, लेकिन जो दो थीम्स हैं जिन थीम के बिना ये बुक अधूरी है, ये गीतांजलि अधूरी है, वो है डिवोशन ऑफ गॉड एंड मिस्टिसिज्म। और अपने एग्जाम में आप सिर्फ इन दो को ही एक्सप्लेन करना, दैट इज एनफ फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो नाउ व्हाट इज दिस, ये है पोयम के नंबर्स, जो इम्पोर्टेंट पोयम्स हैं, जो फेमस पोयम्स हैं वो आपको एग्जाम के लिए तैयार करनी है, दैट्स इट। जो टोटल हमारी 103 पोयम है, इतनी पोयम्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये है इम्पोर्टेंट पोयम्स, पोयम नंबर 1, 2, 10, 11, 12, 35, 38, 50 और 83, ओके, केवल आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे मेरे साथ। एक एक पोयम का अलग अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए, और वो एक्सप्लेनेशन डिटेल में होगा, बहुत ही डीप होगा, ताकि आप एग्जाम में क्या लिखना है वो वर्ड्स आपको मिल सके, ठीक है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि गीतांजलि की हम पोयम पढ़े या सॉन्ग पढ़े या क्या पढ़े, पोयम अलग है सॉन्ग अलग है, आखिर गीतांजलि है क्या, पढ़े कैसे, तो मैंने आपको बता दिया, ये जो 103 पोयम्स हैं इनको चाहे आप पोयम कहो या सॉन्ग कहो या चैप्टर कहो, राइट, सब एक है। अब मैंने पोयम नंबर 1 लिखा है, यानी कि इसको मैं सॉन्ग नंबर 1 भी कह सकती हूँ, ओके, सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, 10 ऐसे, ओके, तो सॉन्ग पोयम चैप्टर सब एक है। सो आई होप कि गीतांजलि की फुल समरी आपको कहीं पर भी क्यों नहीं मिल रही, इस चीज का जवाब आपको मिल गया होगा, समरी जब है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से, ओके, क्या है इसके अंदर, सिर्फ पोयम्स, कविताएं भगवान के लिए, तो आपको इम्पोर्टेंट पोयम्स पढ़नी है। और अभी जितना भी कुछ मैंने बताया ये सब आप अपने की पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि गीतांजलि के कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट पैराग्राफ इट इज अबाउट राइटर एंड हिज वर्क, जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप टैगोर के बारे में लिखेंगे और उन्होंने गीतांजलि किस तरह से पेश की है, किस तरह से प्रस्तुत की है सबके सामने, वो आप लिखेंगे, तो उसमें की पॉइंट्स बहुत कम आएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में इन योर आंसर, ओके। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पोयम नंबर 1 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक तरह से आप उसे समरी का नाम दे सकते हैं, और गीतांजलि के लास्ट सेशन में मैं आपको समझाऊंगी इसकी थीम्स। इसलिए गीतांजलि के सारे सेशन देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गीतांजलि की बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पर, सो आई थॉट चलो अब इसको भी हमें एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। और बाकी बच्चों ने जो जो नाम मुझे सजेस्ट कर रखे हैं अदर नोवेल की एक्सप्लेनेशन के लिए, उनको भी उनका एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा, आप थोड़ा सब्र रखिए, वन बाय वन सबका सजेस्ट किया हुआ नोवेल मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी।
ओके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट नोवेल मैम हमें ये वाली चाहिए, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो इंस्टा और फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक करिए और फॉलो करिए। नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद पोयम नंबर 1 ऑफ गीतांजलि। टेक केयर, बाय बाय।